एवरीवन, माय नेम इज गगनप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे नाउन्स के टोटल 6 काइंड्स हैं, उनमें से हम एक आज पिक कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन। अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकन चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नेम नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। एक और है इसका पॉइंट, अगर जब हमारा जो प्रॉपर नाउन है उसको हमें कैसे पहचानना है। हमारा जो प्रॉपर नाउन का वर्ड होगा ना, हमेशा उसके जो बिगिनिंग होगी कैपिटल लेटर से होगी। ठीक है, अब पहले बात करेंगे हम पर्सन की। हमने जैसे एक बताया था तो स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल देंगे। पर्सन, सीता, राम, श्याम, कोई भी नेम और आ सकता है, गीता, सुनीता, रवि, कोई भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है राम इज गोइंग टू स्कूल। अब राम मेरा प्रॉपर नाउन है प्लस इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिटी, एग्जाम्पल मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, लंदन। कंट्री में भी आ गया हमारा, शी इज फ्रॉम लंदन, लंदन का मेरा एल कैपिटल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन विद द प्लेस, स्मॉल प्लेसेस, नॉट सिटी, कंट्री प्लेसेस, ताजमहल, गेटवे ऑफ चाइना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इनके भी जो वर्ड्स होंगे हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होंगे, कभी स्मॉल नहीं होगा। एग्जांपल, ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, अब जो मेरा ताजमहल है इसका टी कैपिटल लेटर है, महल का एन कैपिटल है बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल, बर्ड और थिंग्स की। नाउ आवर नेक्स्ट इज एनिमल, बर्ड। एग्जाम्पल टाइगर, मंकी, ईगल। एनिमल की एग्जाम्पल होगी टाइगर, मंकी, बर्ड हो गया हमारा ईगल। अब इसमें हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्म में। आई सॉ अ मंकी सिटिंग ऑन द चेयर। एम का कैपिटल है एम, वर्ड एम मेरा कैपिटल है एंड इट इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज वी हैव मेंशन्ड प्रॉपरली कि चेयर के ऊपर कौन बैठा है। कैपिटल भी है, जस्टिफाइड भी है। अगर मैं लिख देती सिंपल एनिमल तो ए मेरा स्मॉल होता, ऊपर से हमें पता नहीं है कौन सा एनिमल है ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ईगल इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। कौन सी बर्ड? ईगल। सो ईगल अगेन इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज थिंग। एग्जाम्पल क्या है थिंग्स की? पेप्सी, बाबी डॉल, ऑडी। एक स्टेटमेंट में देखते हैं। अब मैंने लिखा है आई हैव अ डॉल। डॉल इज अ कॉमन नाउन। रीजन, जस्टिफाइड नहीं है कौन सी डॉल है, इट कुड बी एनी, बारबी, सिंड्रेला, कोई भी हो सकती है। तो मैंने सिंपल डॉल लिखो तो डॉल हमारा कॉमन नाउन आ गया। इसी स्टेटमेंट को अगर मैंने चेंज करके लिखा आई हैव अ बारबी डॉल, मैंने क्लेरिफाई किया बारबी डॉल, तो बारबी डॉल अब कौन सी हो गई? प्रॉपर नाउन बिकॉज वी हैव मेंशन्ड कि कौन सी डॉल के बारे में बात हो रही है, बारबी डॉल। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा आर क्लियर टू यू। अब डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज थम्स अप इफ यू लाइक इट एंड डू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट।